तो एक तो ये कि सर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से और बड़ा सक्सेसफुली बताया जा रहा है कि लॉन्च हुआ है। उसके अलावा जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनको जो है हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है फ्रांस की तरफ से। क्या कहेंगे आप सर, इतनी मतलब एक अच्छी खबर है, और मतलब दोनों ही अच्छी खबर है मेरे ख्याल से तो। लेकिन मैं सबसे पहले फ्रांस से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूं जो कुछ फ्रांस में हो रहा है। और यहाँ पे खासकर आपने बताया पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि मेरे पिछले दिनों अगर मोदी जी की बात करें, भारत की तरक्की की बात करें, तो मेरे कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्त हैं जो देखने वाले, वो फौरन चढ़ाई कर देते हैं कि शायद आप पाकिस्तान बैशिंग करते हो। अगले दिन एक खातून है, उन्होंने तो यहां तक ट्वीट मुझे कर दिया, तुम्हें इतना शौक है तो भारत शिफ्ट हो जाओ। तो दर हकीकत दिमाग थोड़े खोलने की जरूरत है। डिग्रियों और किताबों से मेरा ख्याल है दिमाग नहीं खुलते, सोच बदल नहीं होती है। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि वहां से नेशनलिज्म सीख लें, उनकी तरक्की से कुछ सीख लें, आप कोई चीज इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर आपको शर्म आती है मोदी जी के नाम से, भारत के नाम से, बांग्लादेश की कॉपी कर लें। अगर वहां से भी शर्म आ रही है तो जो अब तो अफगानिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम वी आर कंसर्न्ड कि बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, सारे डॉलर आपके वो खरीद के वो ले जा चुके हैं आपकी मर्जी से, आपकी करप्शन की स्टोरियों की वजह से। लेकिन चले, मैं ये फर्ज कर देता रहूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा, दुनिया में क्या हो रहा, तो वो उसमें मैं सबसे, और मोदी जी का या भारत की बात करने से मैं हमेशा ये होता है कि हमारे पड़ोसी हैं, शायद हम पे भी कोई असर हो जाए उस चीज का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि नफरतों से आपने 76 साल कुछ नहीं सीखा। कोशिश करें अगर आप दूसरी साइड आप प्यार मोहब्बत को भी ट्राई कर लें, एक दूसरे से कोई लर्न करने की भी ट्राई करें। चले, मैं पहले इससे पहले कि आई लूज माई पेशेंस विद फ्रांस के दौरे से, एक तो देखें मोदी जी का छठा ट्रिप था वहां फ्रांस का, और हाईएस्ट अवार्ड जिसकी आपने बात की है उसको कहते हैं लीजन ऑफ ऑनर। और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी का, मैं बल्कि मोदी जी के सफर की बात करूंगा, कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात से। और मुझे आज याद है कि अमेरिका उनको, अमेरिका ने वीजा नहीं देता था, वहां से लेकर आज अगर उनकी एक दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जिस तरह जितनी मर्जी नफरत करते रहे, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात कर ले, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब उससे आगे जो चीजें मैं हिस्टोरिकली बताना चाहूंगा आपको कि फ्रांस के साथ जो रिलेशनशिप भारत के, वो नए नहीं है। जब यूनाइटेड भारत था तो उस वक्त दो जंगों के अंदर जो थे वो हमारे भारतीय जो सोल्जर थे उस वक्त के यूनाइटेड भारत के, 19 सितंबर 1915 में 900 सिख जो थे वो शहीद हुए थे फ्रांस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जाते थे। अब मैं जो 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 सिग्निफिकेंट बातें जो इसमें, एक तो 25वीं ये एनिवर्सरी है भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप की, भारत के तीनों जो है एयरफोर्स, नेवी और उसके बाद जो उनकी आर्मी है, वो तीनों की तीनों वहां पे परेड में शामिल हैं आज। उसके उसके हवाले से मैं ये बताना चाहूंगा, पंजाब रेजिमेंट जाके वहां पे परेड कर रही है, नेवी का एक शिप चेन्नई वहां पे जो है वो लंगर अंदाज होगा, और उसके बाद एयरफोर्स के तीन, भारतीय एयरफोर्स के तीन राइफल तैयारे भारत से स्पेशल गए हैं जो उसके ऊपर से उड़ेंगे। अब जो सिग्निफिकेंट बातें जो मैं बताना चाहूंगा कि जो तीनों दस्ते वहां पे परेड करेंगे, उनमें से दो लीड कर रही हैं खवातीन। एक का नाम तो बल्कि मैं उसका जो एक जो उसको लीड कर रही है उसका तो नाम अभी मेरे अमरता है मेरा ख्याल, उसका मैंने उसकी उसके बारे में सुना था, मैंने उन तीनों के इंटरव्यू सुने हैं जो तीनों जो वहां पे करेंगे। और उसके बाद हेलीकॉप्टर भी उससे उड़ेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो इंजन थे वो जो भारत में बनते हैं वो फ्रांस से बन के जाते हैं, और जो धुन उन्होंने वहां पे वो बजानी है, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये उसके वहां पे उनकी धुन होगी। अब उसके बाद जो मैं एक और सिग्निफिकेंट बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसपे मुझे भी इसमें आनर हासिल है, कि इस वक्त जो भारत के एम्बेसडर फ्रांस के अंदर है,
उनका नाम है जावेद अशरफ। तो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया था और मैं मुझे भी उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल है, और बल्कि वहां पे एक इवेंट के अंदर ही वॉज अ स्पीकर। वो यहाँ इंडिया की एम्बेसी में सर्व कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन मेरी मुलाकात उनकी वहां हुई थी न्यू दिल्ली में, और मुझे अभी याद है कि लंच के दौरान मैंने उनसे कई सवाल किए थे। जावेद अशरफ वेरी ब्रिलियंट डिप्लोमैट और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। उन्होंने अगले दिन एक्सप्लेन किया, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भारत फ्रांस के रिलेशनशिप सिर्फ राफाल के हद तक नहीं है, दे आर लार्जर देन दैट। उसकी मैं बात अब उसके हवाले से बताना चाहूंगा। 1998 में जब भारत ने एटमी धमाके किए थे तो भारत जो था आइसोलेट हो चुका था और उसमें फ्रांस ने उनका साथ दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे यह भी बताना चाहूंगा कि यूएस अमेरिका ने यूरेनियम भारत को देने से इनकार किया था, लेकिन फ्रांस ने यूरेनियम दिया था, ये भी मैं इसकी बात करना चाहूंगा। अब इससे आगे मैं चलना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि मोदी जी के बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर बड़ी वो कहते हैं मोदी डिप्लोमेसी जो है अभी भारत का भारत अमेरिका से अभी वो कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं जेट इंजन असेंबल करने के लिए वहां पे। यहाँ पे ये जो राफेल है ये दासू एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस की, और अलायंस जो है भारत की है, ये मिलके करेंगे बनाएंगे इनको, इनके काफी तैयारे काफी इक्विपमेंट जो इन तैयारों के वो भारत के अंदर असेंबल होंगे। 51% उस जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लिमिटेड इन्होंने कंपनी बनाई है उसके 51% शेयर जो है अलायंस के। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि पहले तो हम ये 26 राइफल तैयारों की बात कर रहे हैं, 36 पहले ले चुके हैं भारत के पास, अब 80 राइफल तैयारे होंगे। अब राइफल तैयारे जो है राफेल तैयारे जो इनकी मैं बताना चाहूंगा कि इसकी सुप्रीमेसी क्या है या इसकी वर्ल्ड स्टैंडिंग क्या है। इसको कंपेयर किया जाता है F-18 हार्नेस के साथ, अमेरिकन जो F-18 है। बल्कि गोवा में कुछ साल पहले दोनों का टेस्ट किया गया था तो उसमें राफेल वर मोर स्ट्रॉन्गर देन द F-18, तो उसके बाद डिसीजन लिया गया था इसको। अब ये जो तैयारे लिए जा रहे हैं ये जो शिप कैरियर है वहां से ये उड़ने की सलाहियत रखते हैं, मरीन जो अभी रिसेंटली लिए हैं। तो ये जो इंडियन शिप कैरियर है क्रांत गोवा में पोस्ट होगा और उसमें 8 जो है ये तैयारे जो होंगे ये राफेल उसके ऊपर रहा करेंगे। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कुछ जो उन्होंने स्कॉर्पियन जो उन्होंने 3 आबदोजें ली हैं जो फ्रेंच मेड है, बल्कि ली नहीं है वो बनी ही मुंबई में है, इनकी अपनी पोर्ट पर बनी है, लेकिन टेक्नोलॉजी या इनकी कोऑपरेशन था फ्रांस का। इस वक्त भारत के पास 16 सबमरीन हैं जिसमें से 7 रशियन मेड हैं, 4 जर्मन मेड हैं, लेकिन 16 टोटल है। अब इस दौरे में मैं जो समझता हूँ जो सिग्निफिकेंट चीजें जो मैं कुछ और बताना चाहूंगा इस दौरे के हवाले से, एक तो जब उन्होंने अपने गिफ्ट शेयर किए तो उसमें फ्रांस ने 2 गिफ्ट दिए हैं मोदी जी को। एक उन्होंने तस्वीर दी है उसी जिस तरह मैंने बताया है कि सिख वॉज मार्चिंग सिख रेजिमेंट या पंजाब रेजिमेंट, उसमें सरदार जो थे वो पगड़ियां उनकी नजर आ रही हैं, वो वॉक कर रहे हैं और उसमें एक फ्रेंच औरत उनको रोज फूल पकड़ा रही है, उसकी तस्वीर मोदी जी को दी गई है इन द मेमोरस के आपकी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स फॉर द फ्रेंच फ्रीडम। अब दूसरी जो उन्होंने गिफ्ट किया है वो एक चेस है, उसका रेप्लिका है चेस का, वो उन्होंने दिया गया है। और चेस के बारे में यहाँ पे खासकर सिग्निफिकेंस ये बताई जाती है कि चेस वॉज भारत में चेस से शुरू हुआ था, चेस गेम जो थी। तो ये 2 गिफ्ट उनको दिए गए हैं। अब 2 चीजें जो सिग्निफिकेंट मोदी जी ने इस ट्रिप में की हैं, सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी मैं समझता हूं कि उन्होंने वीजों की बात की है, भारतीय स्टूडेंट्स के वीजे ईजी किए जाएंगे। और दूसरा, इस वक्त फ्रांस के अंदर कानून है उनका कि जब कोई भारतीय स्टूडेंट मास्टर्स कर लेता है तो उसको 2 साल का स्टे का वर्क परमिट दिया जाता है, उसको उन्होंने एक्सटेंड करा के 5 साल का कराया है। अब उसका फायदा क्या होगा, आपको पता है इस वक्त भारतीय डायस्पोरा जहां भी है हेल्दी है, स्ट्रांग है और नेशनलिस्ट है, ये 3 चीजें पूरी दुनिया में जहां जहां भी भारतीय डायस्पोरा है ये 3 चीजें मैंने उनमें देखी है। स्किलफुल, उनकी स्किल है, पीछे से एजुकेशन लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं, एंड देन दे रिमेन वेरी नेशनलिस्ट। और ये नेशनलिस्ट जो था मैं समझता हूँ मोदी साहब को क्रेडिट दूंगा, पहले चीजें कुछ और थी लेकिन जो नेशनलिज्म का उन्होंने भारत के अंदर चीज की है उसका असर डायस्पोरा पे आ रहा है।
अब जो 5 साल भारतीय स्टूडेंट वहां पे काम किया करेंगे, देन दे विल बिकम जरूरत बन जाएंगे फ्रांस की, और यहाँ पे फिर दोबारा बुनियादें बनेंगी एक स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा की, टू गेट नॉट ओनली फाइनेंशियल गेन होगा रेमिटेंस में, बल्कि यहाँ पे वो फ्यूचर में रह के पॉलिटिक्स में आएंगे, जिस तरह आजकल मैंने बताया था आपको कि 2 इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, कांग्रेसमैन हैं, और हर दूसरी बड़ी कॉरपोरेशन के सीईओ जो है भारतीय है अमेरिका के अंदर, और उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, भारत को हो रहा है, इंडिया को। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बड़ी मैं समझता हूँ उन्होंने की है कि वो UPI जो है उसको उन्होंने यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम जो है उनका उसको उन्होंने जो भारतीय विजिटर आया करेंगे, बल्कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा, और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने फोन के जरिए रुपयों में परचेज कर पाएंगे। अब UPI जो है 7 साल पुराना सिस्टम है, भारत के अंदर इस वक्त 260 मिलियन उसके यूजर हैं, 330 इंडियन बैंक्स उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 10 इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं जो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ब्राजील ने उनकी कॉपी कर ली। अब मेरा ये मैं थोड़ी देर में बताना चाहूंगा हमारे अंदर क्यों नहीं ये लोग इस तरह UPI को इस्तेमाल, क्यों नहीं इसको कोई पेमेंट सिस्टम इन्वेंट कर रहे, क्योंकि करप्शन कम हो जाती है, टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाती है, चीजें रेकर्ड पे आ जाती है ना जी, कैश रजिस्टर कैश कम हो जाती है, तो हमारी हर चीज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर चीज करप्शन रिलेटेड है, मेरा ख्याल है उसमें वहां पर हम ईमानदारी चाहते ही नहीं कि लोग टैक्स ज्यादा दें, ये भी नहीं हम चाहते, क्योंकि हर जगह करप्शन, हमारे अंदर सिस्टम क्यों नहीं है किस तरह का बनाया जा रहा। अब मैं दूसरी बात बताऊंगा, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जो जहां मैंने देखा कि मोदी जी गए हैं वहां पे, वहां हर जगह पे मेक इन इंडिया लिखा था, मेक इन इंडिया। अब मेरा फिर यही सवाल है कि हमारी सेलिब्रेशन इस वक्त हो रही है कि 1.2 बिलियन आ गया जी, IMF से आ गया, सऊदी अरेबिया से पैसे आ गए, हमारे क्यों गूंगे हो जाते हैं, मेक इन पाकिस्तान क्यों नहीं कह पाते, क्या वजह है सर, बना क्या रहे पाकिस्तान में जो नहीं, पाकिस्तान सिर्फ बना रहा है तो बेवकूफ बना रहा है पूरी दुनिया को, और आज से नहीं है 76 साल से बना रहा है, ये देखे ना, IMF को भी बेवकूफ बनाया, फिर सऊदी अरेबिया को बेवकूफ बनाया, फिर चाइना को बेवकूफ बनाया, हम सिर्फ बेवकूफ बनाना जानते हैं लोगों को या दुनिया को, हमने आज तक मेक इन पाकिस्तान का हमारे मुंह से किसी ना अमीरुल मोमिनीन के मुंह से निकलता है मेक इन पाकिस्तान, वो कहते हैं जी अमेरिकन डायस्पोरा जो है डॉक्टर है मेरे वो आप पैसे लाएंगे और उससे दूध की तरह, ना ये नून लीग के मुंह से निकलता है मेक इन पाकिस्तान, किस ना पीएस पार्टी के मुंह से निकलता है, पीएस पार्टी के हवाले से बताना चाहूंगा मैं, बल्कि आप मैं ये तो मैंने चले 3-4 चीजें मैंने आपको फ्रांस के हवाले से या मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारी सिचुएशन क्या है इस वक्त, आपकी सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में क्या चल रही है, नजफ हमीद है, फैज हमीद का भाई है, पटवारी था, ग्वादर गुरदावर था, उनकी घर चोरी हुई है, घर में डाका पड़ा है, सवालिया निशान है, सवालिया निशान कि एक पटवारी के घर पे 1.7 करोड़ रुपया कैश पड़ा था, बिल्कुल ये नेशनल न्यूज आपकी है यार। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज क्या है कि अमीरुल मोमिनीन ने इद्दत किए बगैर निकाह कर लिया था, ये दूसरी सबसे बड़ी खबर। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि आपका एक बहुत बड़ा जज है जो HE Sonian है, कोलंबिया से पढ़ा है, कैमरे से पढ़ा है, उसको इंसाफ देने से कोई गरज नहीं है, वो मनसूबा बंदी वो पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर सेमिनार का है, ये 3 बड़ी खबरें मैं आपको कंपैरिजन देना चाह रहा था ना कि आप बाकी सर मुबारकबादें चल रही हैं कि IMF से पैसा मिल गया, UAE से मिल गया, बाकी न्यूज सिर्फ उसी को कवर कर रही है कहां कहां से पैसा मिला है। मुझे मेरा इस वक्त मैं सोचता हूँ कि नजफ हमीद एक पटवारी चकवाल से है, उसके ऊपर आपका पूरा पाकिस्तान इस वक्त डिस्कस कर रहा है, करना तो खैर चाहिए कि उसके घर से 1 करोड़ रुपया कैसे निकला है, करना चाहिए, करना नहीं चाहिए बल्कि उसके ऊपर एक क्रिमिनल इंक्वायरी की जरूरत है उसकी, लेकिन हम कहां है। अब दूसरी तरफ मैं बात करना चाह रहा था जो आपने पहले बात की है कि चंद्रयान 3 जो उन्होंने लॉन्च किया है, अब इसको लॉन्च करने के बाद भारत जो है अगर ये सक्सेसफुल लैंड करता है वहां पे तो दुनिया के सिर्फ चौथा दुनिया का एक एलीट क्लब में आएगा, दुनिया का चौथा कंट्री होगा जो इसकी सलाहियत रखता होगा। उससे पहले जो चंद्रयान 1 था जब वो लैंड किया था तो उसने डिस्कवर किया था कि चांद के ऊपर पानी मौजूद है, और जो दूसरा था वो प्रॉपर लैंड नहीं कर पाया, और ये जाके लैंड करेगा साउथ साइड पे जो कि इस डार्क साइड पर रहता है, वहां पे रोशनी नहीं होती है, वहां पे सरफेस भी जो है वो ऊंची नीची है, और इस बड़ा मुश्किल है वहां पे लैंड करना।
लेकिन मैं समझता हूं कि और इन्होंने आज तक जितने कॉस्ट एफिशिएंट इनका सारा प्रोग्राम है, जिस तरह का दुनिया के अंदर रैकेट, बल्कि अगले दिन यहाँ पे को कंपेयर कर रहा था जब इन्होंने लॉन्च किया कि एक अमेरिकन मूवी जो बनाई जाती है स्पेस रिलेटेड, उससे भी बजट कम है इनके जो स्पेस चीजें हैं। लोगों को शौक है नेशनलिज्म का या लेगेसी का, इसकी वजह से वहां के साइंटिस्ट जो है वो कर लेते हैं सारा कुछ। हमारा, मैंने आपको बता दिया कि हमारा फोकस इस वक्त एक पटवारी है चकवाल का, उसके घर में डाका पड़ा है और सारा नेशनल मीडिया को डिस्कस कर रहा है। लेकिन एक गिला जरूर दूंगा, लास्ट चीज एक गिला, मैं एक ऐसा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खुदा रहा अपने बच्चों को, पाकिस्तानी जो अगर कोई बचे हैं बच्चे, बाकी तो को चले गए ना, वो मुरीद बन गए अमीरुल मोमिनीन के, वो तो जिहाद में शामिल है, सियासत के जिहाद में जो बचे हैं, अगर कोई स्कूल में बचा, इंडियन मीडिया देखा करो बच्चों, आप इंग्लिश न्यूज देखा करो, वहां की मीडिया देखा करो अखबार, ताकि पता चले पड़ोस में क्या हो रहा है, जिन लोगों के जेनेटिक्स हमारे साथ हैं सेम हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। शायद आप ये कोशिश करो कि आपको पता चले कि वो कैसे कर रहे हैं, आप भी ये कर सकते हैं। आपको मिसलीड किया जा रहा है, ये जो आपकी तकरीरें करने वाले, आपको लूटने वाले, इनके सबके बच्चे लंदन में बड़ी बड़ी अच्छी तालीम ले रहे हैं, अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं तालीम ले रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं। वो आप भी कोशिश करो कि आपके पड़ोस में लोग, आप ही जैसे लोग जो है वो तरक्कियों को छू रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं। सर आपने मीडिया की बात की, हमारा मीडिया सर आखिर प्रॉब्लम क्या है इनको, ये कोई इंडिया की खबर जो है उसकी कवरेज ही नहीं करते, ना ये बता रहे हैं कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हैं या जो कुछ एक्टिविटीज हो रही है, ना वो बताया जा रहा है, ना ही अभी उन्होंने जो बड़ा सक्सेसफुली चंद्रयान जो अपना भेजा है, ना उसकी बात की जा रही है, बिल्कुल खामोश। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम जब ये इनका ये प्रोजेक्ट फेल हुआ था, तब जरूर खबरें चल रही थी, इमरान खान की गवर्नमेंट थी और फवाद चौधरी से लेकर हर कोई जो है वो बड़ा तालियां बजाई जा रही थी कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये इस किस्म का रवैया क्यों है हमारा सर? बाकी तो हमें और कोई काम तो आता नहीं, लेकिन कम से कम कुछ अच्छा अखलाकी दिखा दें। नहीं, उसकी वजह मैं बता देता हूँ, उसकी वजह एक ये है कि ये फैसले करने वाले ये नहीं चाहते कि ये कौम को पता चले कि पड़ोस में क्या हो रहा है, क्योंकि इनके सबके अपने बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं। आपके पास सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि आपका हर CSS ऑफिसर, एक तो वो डॉक्टर है MBBS है, या वो UIT का पढ़ा हुआ है, वो कोई साइंस टेक्नोलॉजी का, अब वो जब CSS करके सिस्टम में आ जाता है और फिर मास्टर्स करने के लिए उसको जब बाहर भेजा जाता है, वो जाके प्रॉपर्टियों के ऊपर निशानियां लगा के आ जाता है, निशान मार्क लगा के आ जाता है कि ये मैंने खरीद। तो वो आके जब पॉलिसी बनाता है तो वो ये नहीं चाहता कि ये कौम जाग जाए, वो फिर आके यहां कहता है ये कि सियासत नहीं है, जिहाद है। वो दूसरे के बच्चों को जिहाद में करेगा, कासम वहां पड़ेगा, अपने बच्चे लंदन में पढ़ेंगे, ये जिहाद करेंगे यहां पे, इनको फिर बेचेंगे। मदरसे 30,000 मदरसा बना दिए पाकिस्तान में, 30,000 से ज्यादा मदरसा, कुछ इन सब पूछे। और मैं, सबसे बड़ा दुख वाली बात यह कि न्यूज़पेपर एक भी ना ढंग का न्यूज़पेपर, इंग्लिश चैनल एक भी नहीं इस वक्त पाकिस्तान में इंग्लिश में, और फिर एक ही है PTV, एक दो खुले भी थे, डॉन वगैरह किसी ने देखा ही नहीं, बंद हो गया। वजह ये है ना, ये जानबूझ के करते हैं, ये जानबूझ के करते हैं कि ये इनको इनको गारों से ना निकलने दिया जाए, कौम के बच्चों को गारों में धकेल कर, इनको जेलों में धकेल कर, इनकी डेड बॉडीज के ऊपर ये सियासत करते। सियासत तो ये है नहीं, क्योंकि ये मैं जमहूरियत इसको मानते नहीं हूँ, जो कुछ भी कर रहे हैं ये सारे के सारे किसी के पेट से पैदा हुए हुए हैं, एक सिस्टम के अंदर इनको पैदा किया गया है हमारे लिए, वो कहते हैं कि खुदा क्रिएट कर देते हैं, नौज बिल्ला, ये ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी। देखे ना, ये प्रोजेक्ट जो इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले आज किधर है, वो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि हमसे गलती हुई है, क्यों नहीं करते ये चीज। एक बंदा ला के अब उसको पीरो मुर्शद बना दिया आपने, अब तो वो मेरा मकसद, अपने आप को मजहबी लीडर समझता है, लोग जाके चूम रहे हैं उसके दरवाजे गेट को, वो बने जमान पार्क के अंदर, वो तो अब सियासत में रहा नहीं है, वो तो मजहब में आ चुका है, उसकी हर तकरीर को वो कहता है या कनाब दू या कनस्ता ही, वो तो हाथ में तस्बीह लेकर और लोगों को बार बार कहता है खौफ के बुत तोड़ दो, खौफ के बुत, खुद सर पे बाल्टी पहन के फिर खुद उसको मेरा मजहब, खुद वो डरता है, जेल से डरता है, जब बाहर पुलिस खड़ी हो तो हाई कोर्ट से निकलते ही नहीं है, 15-15 घंटे अंदर बैठा रहता है, लोगों को कहता है खौफ के बुत तुम्हारे तोड़ दो, लोगों को कहता है ऐसी गुलामी से मौत अच्छी।
मगर सर ये सर जो गवर्नमेंट है या जो एस्टेब्लिशमेंट है स्टेट है हमारी, वो कई लोग जो है वो सोशल मीडिया पे और जगह जगह पे वीडियोस लगाते हैं जिसमें वो कभी हिंदू जो हमारे यहाँ रहते हैं उनको धमकियां दे रहे होते हैं कि वो खातून चार बच्चों के साथ चली गई कि वो अगर वापस आई तो, अगर नहीं आई तो भी हम यहाँ के हिंदुओं को मारेंगे और अगर आ गई तो उसको मार देंगे, और इसी किस्म की सर स्टेटमेंट आती है। लेकिन ये लोग ना पकड़ते हैं ना सजा देते हैं। आरजू ये जो मैंने आपको बताया है, सुबह शाम आप प्रचार करेंगे जिहाद का, सुबह शाम आप ये कहेंगे कि इस गुलामी से मौत अच्छी, सुबह शाम ये बिकता है चूरन, तो उसके रिजल्ट में ये भी निकलेगा ना। वो यार एक खातून चली गई, जाने दो उसको यार, उसकी मर्जी है, उसके हस्बैंड को भी चाहिए डिवोर्स दे उसको भी, तू कहा ये तो एक आपस में अंडरस्टैंडिंग होती, नहीं तुम्हारा गुजारा हो रहा तो उसको तुम वापस लाके, वो किस तरह तुम्हारे साथ रहेगी, वो किसी और के साथ चली जाएगी, तो चली गई है ये, इसे रूटीन है क्या फर्क पड़ता है यार, चली गई जाने दो उसको, मुझे वो बात नहीं है। लेकिन सर लोग जो यहाँ पे वो गन शन पकड़ के वीडियोस बना रहे हैं कि वापस लाओ नहीं तो हम यहाँ हिंदुओं को तंग करेंगे, हम वो उसमें आरजू वो मेरे ख्याल में उसमें कोई उन किलो में दम नहीं है, वो सिर्फ अपने रेटिंग के लिए यूट्यूब के लिए वो सारा कुछ करते हैं, इन किलो में वो बिल्कुल तेल नहीं है। उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये कुछ करने के काबिल हो तो ये अपने के लिए कुछ कर ले, ये तरक्की ही कर ले, इन्होंने दो नंबरी के लिए इस आगे पीछे करते हैं, बंदूकें उड़ा के फिर रहे हैं, ये को लड़ने इनका डीएनए देखो, को लड़ने वाला है इनका, कभी लड़े हैं ये बताए ना, ये मुगलों के खिलाफ लड़े, कभी ये ईरानियों के खिलाफ लड़े, टर्किश के खिलाफ लड़े, गोरों के खिलाफ लड़े हैं आज तक, आप जिनकी बातें कर रही हैं, और ये तो पार्टी पूर्टी करने के लिए ये यूट्यूबर चार पांच लगे हुए हैं, तो सर लपेट के वो कह देते हैं कि सीमा को लाओ नहीं तो हम ये कर देंगे, तो वो आफिया सदीकी के लिए क्या कर लिया तुमने, आफिया सदीकी भी तो यहाँ पड़ी है, उसके लिए क्या कर लिया, लेकिन ये इस पे तो मैं तो उसको इतना सीरियस नहीं समझता हूँ, सवाय इसके कि इंटरनेशनल मीडिया पे जरा शर्मिंदगी होती है कि ये किस किस्म के लोग हैं, घरों में रहने वाले लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं ये, लेकिन इससे अलावा कुछ नहीं है इनका, इनको जब तक कोई पैसा किसी चीज में से डॉलर ना नजर आ रहा हो तो उसमें से उसके पीछे नहीं जाते। लेकिन जी मगर सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी आपसे कि आप पैसा इनको मिल गया है काफी जगहों से, आईएमएफ भी हो गया, सऊदीया भी हो गया, यूएई हो गया, तो सर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए या अभी कम ही है? बहुत मेरे कई जानने वाले हैं वो कहते हैं लंदन की प्रॉपर्टी में भी इलजुल शुरू हो गई, दुबई में भी जो प्रॉपर्टी डीलर है उन्होंने सौदेबाजी शुरू कर दी, बल्कि घंटों ही मार है, एक दो बिलियन डॉलर तो ये खा के डकार भी नहीं मारते ना, आपको पता ही है, और बैठे लंदन में महंगाई बहुत है, सबके बच्चे भूखे बैठे हैं, कई की ट्यूशन फीस एंड ड्यू है, कईयों की बीवियां, उन्होंने मेकअप लेना है, कपड़े लेने हैं, गर्मियों की शॉपिंग करनी है, ये डॉलर को पहली दफा या ना आखिरी दफा थोड़ी आए, डॉलर ये पहले भी आते रहे हैं, बड़ी दफा आए हैं, फिर चले जाएंगे, ये तो ये बहुत थोड़े पैसे हैं और दुनिया को पता है। अब बस इस वक्त इजिप्ट में बेच रहे हैं अपने एसेट्स, आप भी बेच रहे हैं, एयरपोर्ट यूएई वाले आपके